देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि आर ओ एस, यानी ये आर ओ एस, ये जो कोण है ये आधा है किसका, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस और पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस, क्यू ओ एस कौन सा है ये, और पी ओ एस कौन सा है ये, तो इसमें से अगर इसको बैठा देंगे जो आएगा उसका आधा होगा आर ओ एस। कैसे पता प्राप्त करोगे, देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है लंब है एक क्यूपी पर, तो इसका मतलब इसके जो परपेंडिकुलर है तो ये 90% हुआ और ये दोनों मिलाकर भी 90% हुआ। यानी कि देखिए पहले हमको कोण आर ओ एस की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस किसके बराबर है, कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर में से, पी ओ आर में से पी ओ एस हटा देंगे आर ओ एस, ठीक है, ये तो हो गया एक। और दूसरा क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमें इसमें कौन सा पता है, हमें पी ओ आर पता है तो कोण आर ओ एस बराबर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण पी ओ एस, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इधर भी हम जो है कोण आर ओ एस की वैल्यू इस तरफ भी ज्ञात करते हैं, ठीक है, इस तरफ भी ज्ञात करते हैं, तो क्या करेंगे हम, कोण आर ओ एस कैसे होगा, कोण आर ओ एस, ठीक है, कोण आर ओ एस बराबर कितना होगा, तो कोण आर ओ एस, आर ओ एस बराबर क्या होगा, ये जो कोण है एस ओ क्यू, ठीक है, बराबर कोण एस ओ क्यू में से अगर हम 90% घटा दें, 90 डिग्री घटा दें, यानी एस ओ क्यू जितना है उसमें से ये वाला हम घटा देंगे, आर ओ एस घटा देंगे, आर ओ एस कितना है 90 डिग्री है, तो एस ओ क्यू में से -90 डिग्री अगर हम घटा देंगे तो वो भी आर ओ एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि कोण आर ओ एस इक्वल टू -90 डिग्री प्लस एस ओ क्यू। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण तो ये आया, एक समीकरण ये आया, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये टू आर ओ एस तो दो हो जाएंगे थे, टू आर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा, ये 99 तो कट जाएगा, 90% में से में ये अगर जुड़ जाएगा तो ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कोण क्यू ओ एस, ठीक है, एस ओ क्यू या क्यू ओ एस एक ही बात है, और ये कौन सा माइनस का पी ओ एस जोड़ दिया इसके अंदर, माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है ना, ये पी ओ एस माइनस का और ये प्लस का क्यू ओ एस। तो अब देखिए हमारे पास में आर ओ एस क्या होगा, दो है ये, तो आर ओ एस कितना हो जाएगा, कोण आर ओ एस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा किसका, इसका 1/2 ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। देखिए ये जो है ना हमसे जो पूछा गया है, आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इस प्रकार हमने ये प्रूव कर दिया। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।